सुबह होते ही ये ग्रामीण विस्तार की औरतें अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाती हैं। अपने घड़े और बाल्टियों के साथ वो दिन की शुरुआत करती हैं। ये प्लास्टिक से बने हुए हैं। लगभग कुछ इसी समय दूर दराज के किसी शहर में एक युवती उठती है और धुंधली आंखों से अपने टूथब्रश तक पहुंचती है जो प्लास्टिक से बना है। रसोई घर में युवती की माँ उसके लिए सुबह की पहली चाय बना रही है। रोजमर्रा की ये भागदौड़ अभी शुरू ही हुई है और जिस तरह सब लोग अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट जाते हैं, ठीक उसी तरह प्लास्टिक भी इनमें से हर एक का सहभागी बनता है। पूरी आस्था के साथ असंख्य रूपों में काम आने के लिए जुट जाता है। पैकेजिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप सभी ने प्लास्टिक्स को कई नए रूप, आकार, रंग और मापों में देखा होगा। दूध और पानी की बोतलें, तैयार खाद्य पदार्थ, ठंडे पेय, फलों के रस, चाय व कॉफी, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और ऐसे कई ढेर सारे सामानों को बड़ी खूबसूरती से प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करके विविध प्रकार की बोतलों और डिब्बों में पैक किया जाता है। आप एक नजर घर पर इस्तेमाल होने वाली चीजों पर डालिए और आप पाएंगे कि प्लास्टिक्स का इस्तेमाल घर की अधिकतर सभी वस्तुओं में किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मिक्सर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, टेलीफोन्स, फैक्स मशीन्स, जेरोक्स मशीन्स और कंप्यूटर में भी ऊपरी कवच के लिए प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के बावजूद कई लोग आधी अधूरी जानकारी के आधार पर यह मानते हैं कि प्लास्टिक ही हमारे बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। कुछ भी कहने से पहले आइए हम ऐसी कुछ बारीकियों पर एक नजर डालते हैं। वायुमंडल को प्रदूषित करने में जितनी भूमिका विविध ईंधनों के जलने से, सीमेंट के उत्पादन से, खनन और खान से, ईंटों की भट्टियों से, स्टील रोलिंग प्लांट से, मोटर वाहन और उद्योगों से उत्सर्जित गैसों से होता है, इन सभी के सामने प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की भूमिका तो न्यूनतम है। अधिकतर पदार्थ जिनसे प्लास्टिक बनाया जाता है वे सभी हानिकारक होते हैं, किंतु ये भी सच है कि प्लास्टिक बनाने में जो कच्ची सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसका उत्पादन एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अधिकृत नियमों का पालन करके किया जाता है। इन प्लांट्स में कच्ची सामग्री को बड़ी सुरक्षित और वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कॉमोडिटी प्लास्टिक्स के उत्पादन के समय उत्सर्जन स्तर निर्धारित किया जाता है और बखूबी उसका पालन भी किया जाता है। इससे प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद मिलती है। रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद जो दाने बनते हैं उनका इस्तेमाल भविष्य में चीजों के उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। सोडियम और क्लोरीन ही मात्र ऐसे दो रसायन हैं जिनका इस्तेमाल करते समय कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है और सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि जब इन दोनों पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तब खाने में इस्तेमाल किया जाने वाला नमक बनता है। आमतौर पर साधारण प्लास्टिक के जलने पर सामान्य प्रकार की वायु निकलती है जो लकड़ी, रुई या अन्य जैविक पदार्थों के जलने से निकलती है। हालांकि किसी पदार्थ को खुले में ज्यादा देर तक जलाना उचित नहीं होता। पर्यावरण में डाइऑक्सीन की मात्रा बढ़ाने में प्लास्टिक्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि वातावरण में डाइऑक्सीन आता कैसे है? नगर निगम के कचरे और विविध ईंधनों को जलाने से, पेपर इंडस्ट्री में लुगदी को ब्लीच करने से, जंगल की आग और सिगरेट के धुएं से भी डाइऑक्सीन का उत्पादन होता है। प्लास्टिक एकमात्र स्रोत नहीं है जो डाइऑक्सीन की बढ़ती मात्रा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। प्लास्टिक्स पानी और जमीन को प्रदूषित नहीं करते बल्कि वो तो मददगार बनते हैं। प्लास्टिक्स पानी को संग्रहित करने में मददगार होता है और यही ड्रिप इरिगेशन के जरिए खेती बाड़ी के काम आता है। साधारण तौर पर प्लास्टिक्स को जमीन में गाड़ देने से कोई नुकसान नहीं होता,
हालांकि ये एक अनुचित क्रिया है। हमें प्लास्टिक्स को रिसाइकिल करके दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक्स के उत्पादन में पानी का प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। अन्य वस्तुएं जैसे कागज, कपड़ा, पटसन और धातुओं से भारी मात्रा में पानी प्रदूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और CFC, ये सभी गैसें बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि प्लास्टिक्स ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन और उनमें बढ़ोतरी करने में जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यांत्रिक वाहनों, पैकेजिंग एवं पाइपिंग इत्यादि में प्लास्टिक के इस्तेमाल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के निकास में कमी आती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। यदि मानव गतिविधियों से ओजोन लेयर को हानि पहुंचती है तो इसका सीधा असर हमारी धरती पर होगा और इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। कुछ रसायन ओजोन लेयर को हानि पहुंचा सकते हैं। उनमें से कमोडिटी प्लास्टिक के उत्पादन में एक भी ऐसा पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया जाता जो ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा सके। प्राकृतिक भंडार का संरक्षण करने के अलावा प्लास्टिक्स का इस्तेमाल पैकेजिंग में किया जाता है, जिससे माल परिवहन में ईंधन की भी बचत होती है। अन्य पैकेजिंग सामग्री जैसे टिन, ग्लास और स्टील की तुलना में प्लास्टिक बहुत हल्का होता है। पहले 450 ग्राम की एक कांच की बोतल में आधा लीटर दूध भरा जाता था और आज 2.5 ग्राम के प्लास्टिक के पाउच में लगभग उतना ही दूध भरा जाता है और आसानी से 4.5 करोड़ परिवारों तक पहुंचाया जाता है। और तो और, जो पानी उन कांच की बोतलों को साफ करने में बहा दिया जाता था, उसकी भी बचत प्लास्टिक की वजह से होती है। क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक्स को ऑटोमोबाइल में अन्य पदार्थों की जगह इस्तेमाल किया जाता है? इससे गाड़ियों का वजन 200 से 300 किलोग्राम कम हो जाता है। गाड़ियों के बॉडी पैनल्स, बम्पर्स, डैशबोर्ड, डोर पैनल्स इत्यादि में प्लास्टिक के इस्तेमाल से इनका वजन बहुत ही कम हो जाता है। इस कारण ईंधन की भी बहुत बचत होती है। प्लास्टिक को सेब की पैकेजिंग में इस्तेमाल करने से सालाना हजारों पेड़ों को कटने से बचाया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में तो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। प्लास्टिक से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स में बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जिससे न केवल ऊर्जा की बचत होती है बल्कि हमारा पर्यावरण भी कम प्रदूषित होता है। प्लास्टिक उत्पादनों के बिना आज स्वास्थ्य सुविधा की कल्पना असंभव है। उदाहरण के तौर पर डिस्पोजेबल सिरिंजेस, कैथेटर्स, ब्लड बैग्स, यूरिन कलेक्शन बैग्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रेज एवं एक्स-रे फिल्म्स, ये सभी प्लास्टिक से बनते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्जन प्लास्टिक इम्प्लांट को शरीर में स्थापित करने के काम में लाते हैं, जिनका जीवित कोषों पर कोई प्रभाव नहीं होता? इससे ये तो साबित होता है कि प्लास्टिक्स को खान पान और दवाइयों की पैकेजिंग के लिए यदि इस्तेमाल किया जाए तो इनसे कोई हानि नहीं पहुंचती, बल्कि ये सुरक्षित है। हालांकि इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि इस आधुनिक युग में मानव के ज्यादातर काम हमारे पर्यावरण को किसी न किसी रूप में नुकसान अवश्य पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें प्लास्टिक की भूमिका न्यूनतम है। प्लास्टिक से वायुमंडल, पानी और जमीन को भी कोई हानि नहीं है। इमारत बनाने में, घरों का फर्नीचर बनाने में लकड़ी की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से असंख्य पेड़ों को बचाया जाता है। लेकिन फिर भी प्लास्टिक्स के लिए यह खराब भावना क्यों? शायद आपको अपना जवाब मिल गया।
यहां वहां हवा में उड़ते प्लास्टिक बैग्स। पर क्या ये हम जैसे नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें? इस दिशा में हमारा पहला कदम तभी सफल होगा जब दो डिब्बों वाली कचरे के निकास की व्यवस्था पूर्ण रूप से अपनाई जाए, जिसका मतलब है कि स्रोत पर ही रिसाइकलेबल पदार्थों को अलग किया जाए। इस तरह सूखा कचरा जिसे रिसाइकल किया जा सकता है वो काफी आसान हो जाएगा, और गीला कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है उससे खाद बनती है। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें कई कारणों से रिसाइकल नहीं किया जा सकता उनका भी उपयोग होता है। बिटुमिन यानी टार में मिलाकर इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। बहुत सी संस्थाएं, महाविद्यालय एवं निजी उद्योग ये तरीका अपनाकर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इंडियन सेंटर फॉर प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट यानी ICPE ने सफलतापूर्वक इसी वेस्ट मैनेजमेंट का संशोधन किया, और इसी तरीके से मुंबई के दादर में, दिल्ली के वावाना में और कोलकाता के पास कल्याणी में सड़कें भी बनवाई। एक ऐसी ही उपलब्धि नागपुर स्थित रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की डॉक्टर अलका जटगांवकर ने भी प्राप्त की है। उन्होंने एक ऐसी उद्दीपक व्यवस्था विकसित की है जिससे प्लास्टिक के कचरे को तरल हाइड्रोकार्बन ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। आज इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में संशोधन से मिली नई उपलब्धि के द्वारा प्लास्टिक्स का इस्तेमाल सीमेंट की भट्टियों में किया जा सकता है। कोयले से कई ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाले प्लास्टिक को आसानी से इन सीमेंट की भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। रिसाइकलिंग एक जादू की छड़ी है। यदि इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ढेर सारे पैकेजिंग वेस्ट को निवार पट्टी के रूप में ढाला जा सकता है और बाद में कई बार काम में लाया जा सकता है। ठीक उसी तरह प्लास्टिक से बने बैटरीज के डिब्बों को भी रिसाइकिल करके सूटकेस और ब्रीफ केस बनाए जाते हैं। पेट की पानी की बोतलें जिन्हें हम अक्सर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं उनसे भी कालीनें बनाई जाती हैं, जिनका बहुत जगह उपयोग होता है। जल्दी ही प्लास्टिक एक श्रेष्ठ पदार्थ बन जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा नए नए संशोधन होंगे और नई तकनीकों के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आने वाले वर्षों में प्लास्टिक का उत्पादन अधिक टिकाऊ हो जाएगा। यह हमारे दैनिक जीवन में सुखद और सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता रहेगा और धरती पर बसने वालों का जीवन खुशहाल और आसान कर देगा।